वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आई होप सब बढ़िया और सब मजे कर रहे हो अपने लाइफ में। सो आज हमारी प्रेप का, जो हम पिछले 4 महीने से प्रेप कर रहे थे, उसका फाइनल डे है। टुडे इज शो डे। तो अभी हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो अभी सुबह हो गई है एंड सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी जो इवेंट है वो शुरू हो चुका है। बट मेरी कैटेगरी की टाइमिंग है 4:00 और क्योंकि आज पानी वगैरह सब नहीं पीना है, मतलब सिर्फ पूरे दिन में 250 ml वाटर है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कितनी गर्मी में बाहर जाऊं। क्योंकि अभी मैं उठा भी ऐसे नींद से नहीं उठा हूं कि मेरी नींद खुल गई है, अभी मेरा माउथ बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो मैं ऑलमोस्ट चोक होकर उठा हूं, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो तब तक हम करेंगे कार्ब लोडिंग। और अभी मैंने कोच को कॉल किया था तो उन्होंने चेक इन के बाद मुझे बोला है 200 ग्राम राइस खाने को, साथ में हनी और रेजिन वगैरह। तो अभी चलते हैं, अपनी मील खाते हैं एंड आपको दिखा दूं कि अभी सुबह उठ के बॉडी कैसी लग रही है। सो अभी आज सुबह अर्पित भी पहुंचा है, मेरा भाई, मेरे को जम्मू से सपोर्ट करने के लिए। तो अभी फ्रेशन अप वगैरह हो रहा है। सो अर्पित इज हियर। तो भाई आया वो मुझे जम्मू से स्पेशली सपोर्ट करने के लिए। तो हो गया रेडी, थैंक यू। तेरे पूड़ी चने वगैरह रखे हैं मैंने, तू खा आराम से। तो भाई ये खाएगा पूड़ी चने, तो मैं अपना चुपचाप प्लेन राइस वे खानी। तो चलते हैं अपनी मील खाते हैं, अब कार्ब लोड शुरू करते हैं। तो भाई अब बारी है हमारे कार्ब लोडिंग की, सबसे पहली मील की। तो यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम राइस और उसके साथ में हमें लेने हैं 2 स्पून हनी, और 2 स्पून हनी के साथ हमने यहाँ पे लेने हैं 40 ग्राम्स रेजिन किशमिश या सौंगी, आपने जो भी बोलना है इसको बोल लो। तो ऑलमोस्ट मैं मेजर करके ले रहा हूँ, ये आ गए हमारे रेजिन। और इसी के साथ में हम लेंगे थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू। तो भाई एक तो पहले से कुछ खाने को मिल नहीं रहा था, पिछले पूरे एक हफ्ते से हम नॉर्मली क्या नाम है ये सिर्फ बॉयल चिकन, क्योंकि कार्ब डिप्लीट करने थे। और अब जब कार्ब्स मिल रहे तो कार्ब्स खाने में बस हो गई है, मतलब यहाँ पे कोई इन बिटवीन नहीं है, या तो कुछ नहीं मिलेगा या तो सब कुछ एक साथ भर के मिल जाएगा। पर इन भाई साहब को देखो, तरस भी नहीं आ रहा है इनको हम पे। आलू पूड़ी 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 जरूर, चल सैंडविच तो चल नॉर्मली है उसको। भाई सब, मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये जो बॉडी बिल्डिंग है ना, ये मतलब पूरी लाइफ, मतलब हर चीज़ से अलग है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफस्टाइल है नहीं है। इसके लिए इतना तुम्हें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए ना, अगर तुमने कुछ भी इसमें करना है, अगर तुम आए हो इस लाइन में, तो तुम ऐसे वीक माइंडसेट के साथ नहीं रह सकते। तुम अगर तुम्हें बोलो कि तुम्हें पूरा दिन पानी ही नहीं पीना है या 12-12 लीटर एक साथ पीना है, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वही नहीं, मेरे कोच वो है, ये मेरे गुरु है। तो जो भी मैंने बॉडी बिल्डिंग की जितनी प्रेरणा ली है वो सारी इनसे ली है। तो इन्होंने ही मेरे को सारा सिखाया कि डंबल कैसे पकड़ते हैं, कैसे उठाते हैं। तो आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, मतलब कि बेस मैंने दिया इसको, बाकी तो चल इसके इन्होंने वो दे दिया ना, जैसे बोलते हैं ना थ्रोन दे देते हैं बंदे को कि हाँ भाई ये ले, मैं टॉर्च पास कर देते हैं, इसने डंबल में मेरे को पकड़ाया, मैंने उठाया, इसने छोड़ दिया। बाकी आप देख ही सकते हो भाई साहब, इतना छोटा भी नहीं है मेरा, ठीक ही है। ये थोड़ा गलत काम ज्यादा करता है ये। कोच का भी मैसेज आया, चेक इन सेंड करते हैं। तो नहा के वापस एक प्रॉपर आधे घंटे का पोजिंग सेशन करेंगे एंड देन लेट्स गो टू HSF एक्सपो। फ्रेशन अप हो गया एंड अभी बॉडी फुलर लग रही है पहले से, बट मुझे लग रहा है अभी कार्ब्स ओवर लोड होंगे। तो अभी एक पोजिंग सेशन करेंगे एंड उसके बाद कोच को चेक इन भेजते हैं कि बॉडी कैसी लग रही है। एन एक्शन।
सुबह ये भी चेक इन हो गए हुए हैं और अभी सर को कॉल करते हैं और चेक इन भेज दिया हुआ है, देखते हैं सर ने मेल भेजी है पर एक बार कंफर्म कर लेते हैं सर को कॉल करके, तो एक बार कर लेता हूँ। हेलो, हाँ जी भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया, देखा आपने चेक इन? है ना, वही अभी मैं देख रहा, अभी ज्यादा फुल लग रही थी फिजिक। ठीक है ठीक है, अभी 300 ग्राम करने हैं राइस। हनी 5 चम्मच। मैं बस खा के ना अभी निकलूंगा, साथ में राइस पैक कर लूंगा, अभी एक ही में लेके जाऊँ ना राइस वाली अपने साथ। भाई मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला हेलो ये किचन, तो बोलते हाँ, मैंने बोला भैया ऊपर 304 में राइस भेज दो, तो बोलते और, मैंने बोला ओनली राइस, बोलते ओनली राइस, ओनली राइस, तो बोलते सर सूखे राइस कैसे खाओगे? मैंने बोला भाई तुम भेजो, कोई सीन नहीं है वो, फिर उसको मैंने वापस किया, फिर वापस बोल रहे बोलते सर ओनली राइस, सर ओनली राइस ही है, उनको पता चल गया ओनली राइस खाने वाला बंदा है। वो नीचे 304 की डिस्कशन हो रही है, इधर कुछ तो चल रहा है भाई, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। सो द ट्रंक नंबर फॉर टुडे इज 200, तो और साथ में ये है बैक स्ट्रीट एक्सेस का पास है, तो इसको भी संभाल के रख लेते हैं क्योंकि यही वहाँ पे काम आएगा, तो ये ले चलते हैं। एंड बाकी इट्स टाइम टू लीव नाउ। Guys, now we finally reached the venue. तो यहाँ पे होने वाला है हमारा इवेंट और चलते हैं अभी HSF Expo 2023। So, अभी मील खाए हुए वापस से 2 घंटे हो गए हैं एंड अभी सर को वापस से एक चेक इन भेजना है, तो एक छोटा सा पोजिंग सेशन करके वापस से चेक इन करेंगे, भेजेंगे सर को कि अभी मील खा लेंगे नहीं, क्योंकि अब लाइट लाइट से भूख लगने लग गई है। लास्ट वाली मील थोड़ी हैवी थी बट स्टिल अभी थोड़ी भूख लगने लग गई है, तो सर ने ये बोला कि पेट को खाली नहीं रखना, तो अभी चेक इन भेजते हैं फिर देखते हैं कि मील खानी है कि नहीं। Few inches later. तो अभी मैं राइस लगा रहा, सिर्फ लाइट से मैंने 2 राइस के खाए हैं, साथ में हनी लगा लिया और सिर्फ 2-4 किशमिश वगैरह ये सब करूंगा, क्योंकि अब मुझे फील हो रहा है कि शायद थोड़ी ब्लोटिंग ना हो जाए, क्योंकि सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं, ऐसे होटल में तो आराम से रेस्ट कर रहे थे तो इतना सीन नहीं होता, यहाँ पे रेस्ट नहीं मिल रही है तो थोड़ा ब्लोटिंग वाला इशू ना हो जाए, तो इसीलिए बस छोटी सी मील खा रहा हूँ। अब देखेंगे स्टेज पे जाने से पहले एक और कोई छोटी मील होती है तो वो खा लेंगे, नहीं तो चॉकलेट्स। के लिए आगे हुआ फर्स्ट कोर्स जो करना है, तो अभी हम टैनिंग कराने जाएंगे सीधा और लेट हो गया थोड़ा सा, पहले से सारे करा चुके ऑलमोस्ट, तो अभी फटाफट चलते हैं। A few moments later. So भाई जैसा आप ये सामने तमाशा देख रहे हो,
वो ऐसा उन्होंने हमें बोला था कि 4 बजे होगा मेंस फिजिक का शो। मेंस फिजिक की कैटेगरी 4 बजे हुई थी, 9 बज गए हैं भाई, इन्होंने शो कैंसिल कर दिया। शो कैंसिल कर दिया। The next day. So guys, जैसे कि आपने कल देखा था कि कल बहुत ज़्यादा HSF में सीन हो गया था, जो मेंस फिजिक कैटेगरी थी वो पोस्टपोन हो गई थी। हम लोगों ने सब टैन वगैरह ऑलमोस्ट लगा ही ली थी, और टैन वगैरह लगाने के बाद हमें बोला कि जो मेंस फिजिक है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमारी कैटेगरी 4 बजे शुरू होनी थी, बट वो 8:30-9 बजे तक शुरू नहीं हुई थी, एंड उसके बाद शो ही पोस्टपोन हो गया। तो उन्होंने बोला कि अब वो कल हो पाएगी। तो अभी नोटिफिकेशन आई है कि मेंस फिजिक की प्री जजिंग और फाइनल्स दोनों एक साथ ही हो गए। सो नाउ वी हैव लोडेड एंड बर्गर और फ्राइज खा लिए, अभी फटाफट जल्दी खा लिए, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी भाई, तो कार्ब लोड करना बड़ा ज़रूरी है। एंड अभी इन्होंने बुला लिया हुआ है क्लास सी, जो मेरी क्लास होगी उसके टैनिंग के लिए बुला लिया हुआ है, तो मैंने जस्ट कार्ब लोड किया है एंड मैं वापस से टैनिंग कराने जाऊँगा। अभी कल वाली भी टैन मैंने उतारी नहीं थी, तो वापस से री टैन कराएंगे ताकि टैन आ चुके। Let's go and see what तो फाइनली गाइस, जो भी हम पिछले 4 महीने से मेहनत कर रहे थे, प्रेप कर रहे थे, इट हैज़ कम टू एन एंड। बट जो भी था, जैसा भी था, आई एम 100% सेटिस्फाइड विद माय प्रेप, क्योंकि 3-4 महीने में बॉडी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है जब तक तुम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करो। आई नो, मेरे को पता है कि मेरा और पोटेंशियल है, मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ, एंड वील सी इन द फ्यूचर कहाँ जाते हैं हम, कैसे करते हैं सब। जो मैंने 16 वीक्स आउट की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बोला था कि वी आर डूइंग दिस प्रेप फॉर एक्सपीरियंस, मैं एक बारी कंपीट करना चाहता हूँ कि मैं एक्सपोजर लेना चाहता हूँ प्रेप का, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। बट ड्यूरिंग दिस प्रेप मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, कि उसमें मेरे को था कि अब मुझे जीतना है, कोई मुझे प्लेसिंग चाहिए है, एंड वी स्टार्टेड इट फॉर एक्सपीरियंस एंड वी एंडेड इट विद अ मेडल, बट नाउ वी विल डू इट फॉर द टाइटल एंड लेट्स सी वेयर वी गो।